गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 13th जून। मार्केट इज वेटिंग फॉर टुडेज यूएस सीपीआई डेटा एंड टुमारोज एफओएमसी रेट डिसीजंस। इसीलिए आज टिल द सीपीआई डेटा इज गेटिंग रिलीज्ड तब तक ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.52, नीचे के लेवल पे 103.2025 एंड ऊपर के तरफ आपका 104.50, इस रेंज तक का ब्रेकआउट होना चाहिए ऑन आइदर डायरेक्शंस आफ्टर द यूएस सीपीआई डेटा। अगर सीपीआई डेटा में ड्रास्टिकली कुछ चेंजेस आता है, आइदर मच बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस और मच वर्स देन द एक्सपेक्टेशंस, देन अकॉर्डिंगली सम कुछ मींस वॉलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैटिश टाइप डेटा में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा, देन द मार्केट विल वेट फॉर द एफओएमसी रेट डिसीशंस। यूएसडी आईएनआर करेंटली इट इज अराउंड 82.37 के आसपास है। सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म बेसिस में यहाँ पे एक सेलिंग इंडिकेशन आ रहा है। ऑन द लोअर साइड द एक्सपेक्टेशन द एक्सपेक्टेड सपोर्ट्स आर अराउंड 81.80 टू 81.90 के बीच में है। एनी ऑप्टिक्स में भी सोल्ड विथ स्टॉप लॉसेस अबोव आपका 82.80 या 82.85 के आसपास हो सकता है। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। जीबीपी डॉलर ये है 1.2521। अभी कल का जो हाई है दैट इज 1.2600 एंड लो जो है आपका 1.2485। यानी आज का सीपीआई डेटा के डिपेंडिंग ऑन द डेटा, आइदर ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक फर्दर कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट करेंगे, या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो एक नीचे की तरफ मे बी टूवर्ड्स 1.23570 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ हुआ है फ्रॉम द हाई, फ्रॉम 103.87 से अभी है 103.12। सो यहाँ पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन बिटवीन 102.30 ऑन द हायर साइड एंड 103.90 ऑन द हायर साइड एंड 102.30 ऑन द लोअर साइड, इस रेंज में ही रहने का प्रयास करेगा। एक बार डेटा आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा और आफ्टर एफओएमसी रेट डिसीजंस टुमारो कुछ एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। यूरो डॉलर अभी है 1.0771 आपका। यहाँ पे इस हफ्ते आपका थर्सडे को ईसीबी रेट डिसीशन है। सो मार्केट अभी थोड़ा सा बेस आउट करने का कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था फ्रॉम 4th May से आपका 31st May तक आने के बाद ये जो 2-4 दिन का एक कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये एक बेस आउट करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का एक ही कंडीशन है, यहाँ पे क्लोज देने के बाद ये हायर हायर लो बनना है। दैट बीइंग द केस ये जो आपका इसी भी रेट डिसीशंस है उससे पहले एफओएमसी रेट डिसीशंस दोनों के बाद अगर ऊपर की तरफ ये आपका 1.08 के ऊपर तगड़ा क्लोजिंग दे देता है, इन सच केस यूरो डॉलर में हेड टूवर्ड्स 1.0960 की तरफ। यूरो आईएनआर पे यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशंस हो रहा है आपका, ये 89 के ऊपर एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपमूव भी एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज ये जो जोन है ये जोन एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। आपका डॉलर येन अभी है 139.45। ऐसा लग रहा है जैसे ही आपका ये 138.50 के नीचे क्लोज देगा, सो इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड सेल ऑफ ऑन डॉलर येन। अभी हमें इंतजार के सिवा और कुछ है नहीं। येन आईएनआर पे भी यहाँ पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है, जब तक ये आपका 59.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक लॉन्ग बिल्डअप के लिए हम थोड़ा सोच नहीं सकते, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी 1.3377, जैसे कि ये रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है, प्लस यहाँ पे जो बॉटम आउट ये ट्रिपल बॉटम है आपका 133.20, 133.40, ये एक ट्रिपल बॉटम एरिया है। सो यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या है दोबारा ऊपर की तरफ जाता है या इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, इसके लिए हमें कन्फर्मेशंस जरूरी है। अभी ये ऑसी डॉलर जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था 0.68 पक्का उसके आसपास ही आ गया, 0.6775 हाई ट्रेड किया है। सो अभी यहाँ पे देखना है क्या ये यहाँ पे टाइम पास करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है या स्ट्रेट ब्रेकआउट करता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा आपका 6550 की तरफ आता है। सो देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज।
अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है तो वेल एंड गुड, उसके लिए हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट क्या रियल ब्रेकआउट होगा या फॉल्स ब्रेकआउट होगा? रियल ब्रेकआउट होगा देन इट इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 7050। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फिर दोबारा यहाँ पे जैसे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, अगर यहाँ पर भी अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फिर दोबारा ये 6550 की तरफ आएगा। एंड द थर्ड कंडीशन वॉज दैट योर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे थोड़ा दिन टाइम पास करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे देखिए आपका 8 मई को प्राइस इस लेवल पे आया, उसके बाद दो दिन टाइम पास किया, फिर ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये टाइम पास करने के बाद क्या ये ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ आएगा वो हमें देखना है। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज एज फार एज ऑसी डॉलर इज कंसर्न। सी एन एच में तगड़ा अपमूव जारी है, जैसे कि आपका एक न्यूज हमने देखे हैं कि आपका चाइना सेंट्रल बैंक कट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग कॉस्ट, सो इसके रिलेटेड आपका चाइना में आपका मीन्स सी एन एच में काफी प्रेशर है अभी 7.1692। जैसे हमारा एक्सपेक्टेशंस था यहाँ पे जब ये कैंडल 19 मई का हाई को तोड़ दिया था तब हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था 7.22-7.23 का, और उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव हो रहा है। ये कंसर्न है फॉर आवर डॉलर रुपी शॉर्ट, डॉलर रुपी शॉर्ट्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल है कंसीडरिंग सी एन एच इंटू माइंड। अभी आपका यूके ऑयल कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया एंड ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आके रुका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्या यहाँ पे ये आपका इस बार ये ब्रेक डाउन करेगा एंड 70-71 का लेवल को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। यूएस टेनर 10 ईयर में 3.72 कंसोलिडेशन है, वेटिंग फॉर टू डे सीपीए डेटा एंड टुमारोज एफएमसी रेट डिसीजन, सो हमें इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यूएस 2 ईयर में यहाँ पे आपका सिमिलरली 4.554, ये क्या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा वो आज के सीपीए डेटा एज वेल एज कल का एफएमसी रेट डिसीजन के ऊपर ही है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे फ्रेंड्स के। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।